ये तस्वीरें देश के लिए हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। जिस देश की बहुसंख्यक आबादी ने कभी इस पैसे का एक गुना भी अपनी आंखों से ना देखा हो, उस देश के सामने ये तस्वीरें जब टीवी से झांकती हैं तो उस देश का व्यक्ति क्या सोचता होगा। जब भूख प्यास से देश में मौत होना एक आम खबर हो, तब अगर उनको ये खबर लगे कि देश में एक घर ऐसा भी है जहां पर धन कुबेर छिपा हुआ है, जब देश की 99% आबादी, जी हां बिल्कुल 99% आबादी ने इतना पैसा कभी अपनी आंखों के सामने देखा भी ना हो, और जब वो ये खबर सुने कि ये पैसा एक घर की तिजोरियों में जगह बनाया हुआ था, तो उनको कैसा लगेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हो और कहते हो कि काली कमाई वालों का मुंह काला होगा, जितना काला धन है सब बाहर आएगा और उसका फिर बोलबाला होगा, लेकिन उसके बाद ये तस्वीर आना, उतना काला धन अकूत काला धन जिसके बारे में सोचा भी ना गया हो। तो जब नोटबंदी हुई थी तब जिस काले धन को बाहर लाने की बात हुई थी, इतना काला धन तो तब भी ना आया था, लेकिन जनता ने जो दोहरी मार झेली थी, सर्द मौसम था, लंबी लंबी लाइनें थी, सबसे ज्यादा परेशान लेबर क्लास थी, सबसे ज्यादा परेशान मिडिल क्लास थी, सबसे ज्यादा परेशान वो व्यक्ति था जो दिन भर की कमाई के बाद रात में जाकर दाल रोटी चावल धनिया प्याज की व्यवस्था करता। सबसे ज्यादा परेशान वो गृहिणियां थीं जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आटा ले आए अपने बच्चों को रोटी खिला सके। तो काले धन पर मार करने की जो कोशिश हुई थी उसने गरीब जनता को तो बहुत मारा, लेकिन काला धन अभी भी काला का काला ही है। और इसकी तस्वीरें अब आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए, किसका है ये मंडल, पैसों का बंडल। ये आज मुद्दा आपका मैं कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि इतना पैसा, इतनी अकूत संपत्ति, जब सरकार, विपक्ष सब इस बात को कहते हूं कि देश में भ्रष्टाचारियों की, काला धन रखने वालों की कमर को तोड़ना होगा, तब इतना पैसा मिलना दुख देता है, क्योंकि ये किसी ना किसी का तो पैसा है और गरीबों का ही तो पैसा है। तो आरोप प्रत्यारोप का बना जो रखा है जोक, और कानपुर का ये कैश लोग, इसको लेकर चर्चा होगी कि आखिर पीयूष जैन किसका है। इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका एक बार उनसे तारुफ करा देता हूं। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनोज यादव जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से, अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा आपका में। सबसे पहले तो एक एक ओपनिंग रिमार्क, उसके बाद बहस को खोल देंगे। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगा। अश्विनी जी, वो दिन हमें आज भी याद है जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था प्रधानमंत्री की ओर से, पूरा देश एक साथ आया था, ऐसा कम ही देखा जाता है। इंडोनेशिया में जब नोटबंदी की गई थी, दुकानों में तोड़फोड़, घरों में तोड़फोड़, वो सब तस्वीरें देखी गई थी, पूरे विश्व ने देखी थी। लेकिन भारत में जब नोटबंदी की गई, पूरा देश एक साथ आया, लोगों को इतनी परेशानियां हुई जिनको शब्दों में पिरोना आसान नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, काले धन पर चोट है ये। उस घटना को 4-5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज इतना पैसा फिर टीवी में लोग देख रहे हैं, तो उस चोट का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये पैसा पीयूष जैन का है, पीयूष जैन किसका है ये अब जरा क्लियर करिएगा। देखिए, नोटबंदी के बाद इतना धन पाया जाना वाकई आश्चर्यजनक बात है।
कुछ लोग उस समय भी जो नोटबंदी का विरोध कर रहे थे वो कौन थे, 2016 में समाजवादी इत्र जिसने लॉन्च किया था और फिर अभी पीछे कुछ दिन पहले भी लॉन्च किया गया है। तो उसके पहले एक सूत्र और जुड़े थे जब आईटी का छापा पड़ा था तीन सपा के नेताओं पर, बड़े बड़े नेता कहते रहे कि 17,000 रुपया मिला है, जबकि 68 करोड़ की टैक्स चोरी जो है खुद एक व्यापारी ने कबूला उसमें जो इनका सहयोगी है। ये सब घटनाएं जो एक साथ हुई, उसी समय अखिलेश जी का एक बयान आना कि अब ईडी आएगी, सीबीआई आएगी और ये आएगी, इनको पता था कि कहीं ना कहीं से ये काम हो रहा है और हमारा आदमी जो है पीयूष जैन कहीं ना कहीं धरा जाने वाला है और तीन धरे जा चुके हैं। ठीक है अश्विनी जी, एक और सीबीआई का नाम ले रहे थे, ठीक है, एक और टाइमिंग पर नाम ले रहे थे। अश्विनी जी एक और सवाल है कि आपने कहा कि पीयूष जैन इनका आदमी है और इत्र का जो लॉन्च किया था समाजवादी इत्र वो ये है, लेकिन समाजवादियों का कहना है कि वो तो दरअसल पम्मी जैन थे, वो कोई और है, ये कोई और है, अब सिर्फ जैन है। 2016 की मैंने बात की, 16 में 5,000 बोतलें लॉन्च की गई थी, उस समय कौन कौन था वहां पर कि बड़े नेताओं को दी जाएगी, बड़े अधिकारियों को दी जाएगी, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। ये समाजवादी इत्र की जो दुर्गंध है वो 2016 से फैल रही है, हर चुनाव के पहले ये लोग फैलाने की कोशिश करते हैं और इतनी बौखलाहट उसी के साथ होती है जिसका पैसा पकड़ा जाता है, जिसकी चीजें होती हैं, वो तो आ जाएगी एजेंसियां, वो हिरासत में है, कुछ दिन बाद आ जाएगा किसका पैसा था किसका नहीं था। आज क्यों इतनी बात अखिलेश जी को बार बार कहना पड़ रहा है, उनको उनको आरोप का प्रत्यारोप क्यों लगाना पड़ेगा, जब हम आपको गाली देंगे तो आप भी मुझे गाली देंगे, तब ये हो जाएगा कि दोनों में कुछ है, क्या तो आपने मुझे दिया मैं साथ हो गया भाई, ठीक है राहुल लाल देख रहे हैं, मनोज यादव जी देख रहे हैं, गलत कौन है अपने आप फैसला हो जाएगा। तो इतनी बौखलाहट क्यों थी, राम गोपाल जी को बयान पहले पहले वाले छापों में देने की जरूरत क्यों पड़ गई, 17,000 रुपया पकड़ा गया, जबकि उसमें 68 करोड़ उस व्यापारी ने वो किया है जिसका नाम मनोज यादव है, जबकि इनकम टैक्स ने कहा था नहीं ये 86 करोड़ से ऊपर का मामला है। चलिए तो मनोज यादव जी, कनेक्शन अपने आप जुड़ते हैं। मनोज यादव जी आपके इत्र की खुशबू इतनी आई कि उसको सूंघते सूंघते ये तस्वीरें आ गई हैं, तो आपके लोगों के पास इतना पैसा, ये कौन सा समाजवाद है? अगर ये हमारे लोग हैं और हमारा पैसा है तो ये सरकार आंखों से अंधी है, दिमाग से पैदल है, और जो इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बिल्कुल सर्वविदित हो गया है, बहुत झूठा पार्टी, सुबह भी झूठ बोलते हो, बार बार झूठ बोलते हो, शाम को भी झूठ बोलते हो। एक बात बताइए अगर समाजवादी पार्टी के चार लोगों पे छापे पड़े, तो राजीव राजी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और एक बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, मेडिकल कॉलेज चलते हैं उनके, पेट्रोल पंप चलते हैं, देश विदेश में है उनका, उनपे 17,500 रुपए मिले। अगर कहीं 68 करोड़ की टैक्स चोरी है तो टैक्स जो व्यापार कर रहा है वो जमा करेगा, उसे समाजवादी पार्टी का तो कोई लेना देना है नहीं। हमारी पार्टी का अगर कोई जानने वाला है, मानने वाला है, सपोर्टर है, वोटर है और टैक्स ना जमा करे तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? नहीं, उसमें समस्या देखिए, आपने कहा कि अगर कोई टैक्स नहीं जमा कर रहा तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्या है, तो फिर जब इनके यहाँ रेड पड़ती है तो फिर आपको बिलबिलाहट क्यों होती है, ये भी सवाल है। हमें क्या बिलबिलाहट है? अरे आप ये कह रहे हैं, हमारा तो सिर्फ एक सवाल है कि देश में कहीं चुनाव होता है तो आर्थिक एजेंसियों को लगाम टाइट कर दी जाती, ये अलग क्यों? तो ये तो मतलब ना करें, मतलब ना करें, आपका कहना है कि ठीक है? ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, 4.5 साल शांत बैठे, चुनाव आने वाला तो झापा मार रहा, मतलब इस समय नहीं करना चाहिए था, ठीक है पैसा है भ्रष्टाचार है, लेकिन इस समय नहीं करना चाहिए, रोज करो, जब रूटीन वाइज करो। और एक बात बताओ, मतलब इतना पैसा पकड़ा गया, ठीक है चुनावी समय में पकड़ा गया, आपको खुशी होनी चाहिए, खुशी है आपको इतना पैसा पकड़ा गया? किसका पैसा पकड़ा गया? जो पीयूष जैन के हाथ जो रेड में पैसा पकड़ा गया, बीजेपी के लोग बताए दुख खुश, क्योंकि वो उनका आदमी है,
वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता थोड़े नहीं। देखो स्पष्ट मेरा एक एक दो लाइनें सुन लो, आपको भी समझ में आ जाए। हाँ ठीक। जो मम्मी जैन है, पुष्पराज जैन उनका पूरा नाम है, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के MLC है, और जब जब इत्र लॉन्च हुआ, जब जब 16, 15, 14, 13, 12 और उससे पहले भी जब कभी इत्र लॉन्च हुआ होगा, क्योंकि राष्ट्रीय समिति 99 से सांसद हैं, कन्नौज से, और कन्नौज से उनका पुराना नाता है, ठीक है, तब तब पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन समाजवादी पार्टी से जिनका लेना देना है वही लेना देना है, कोई पीयूष जैन हो, कोई कोई और जैन हो, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अगर है तो ये गूंगी बैरी अंधी सरकार प्रूफ करे, और अगर नहीं कर सकती तो प्रधानमंत्री से लेके और इस डिबेट में बैठे अश्वनी साहिब तक जनता से माफी मांगो कि आखिर एक भी फोटो नहीं दिखा पाए अखिलेश यादव साहब। अगर ये पीयूष जैन सिर्फ नाम होने से, पी से नाम है उनका, पी से नाम है, इत्र का कारोबारी है, बस वो इस नाम पे आप समाजवादी पार्टी को बदनाम करोगे? अरे इतनी नीचता कैसे घर वालों को मुंह दिखाते होगे आप लोग? मुझे शर्म आती है कि अगर मैं इस तरह टीवी पे झूठ बोलूं तो मुझे अपने बच्चों और पत्नी के सामने मुंह लेके मैं कैसे जाऊंगा? प्रधानमंत्री घर पत्नी ही नहीं है, क्या मुंह दिखाएंगे? और मुख्यमंत्री पे भी पत्नी नहीं तो मुंह क्या दिखाएंगे? बेशर्मों की तरह टीवी पे और भाषण में बोल देते कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अरे इतनी बेशर्मी, किस बात की बेशर्मी? चुनाव नहीं जीत पा रहे इसलिए? हाथ में आ गया, जनता ने इशारा कर दिया कि आप सत्ता से जाने वाले हो, इतनी बेचैनी आप बदनाम कर रहे हो? एक साक्ष्य दिखा दो, एक, और जहां जहां छापे पड़े समाजवादी पार्टी ने ताल ठोक के एक्सेप्ट किया, और फिर एक्सेप्ट कर रहा हूं, जहां छापा मारोगे हमारा आदमी होगा, हम जो कुछ निकलेगा उसके जिम्मेदार हैं, बीजेपी के लोग और हम पे जिम्मेदारी। थोड़ा सा ईश्वर से डरो, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, सब बैलेंस हो जाएगा। साईं जी, आप साईं से लेके और वो जो मठ में साईं बैठते हैं उन तक बता दे रहे हो, सब बैलेंस हो जाएगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। और एक बात, इसको धमकी ना समझा जाए, मेरी सलाह समझी जाए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। चलिए ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया। गड्ढा खोद रहे हो, गिरने के लिए तैयार रहना। तो ये आपका गड्ढा कैसे खोदा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि पीयूष जैन बीजेपी के हैं, अगर वो बीजेपी के हैं तो गड्ढा आपका कैसे खुद गया? और आप प्रक्रिया कैसे हुई है जिसकी प्रतिक्रिया आप देंगे? अरे एक सेकंड, सुनो, देखो आप लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों को नाजायज बदनाम कर रहे हो, तो हम तो सही वाला कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? मतलब पीयूष जैन को नाजायज बदनाम किया गया है, नाजायज परेशान किया गया? अरे आप या पीयूष जैन की बात हो रही है? पीयूष जैन की बात हो रही है? पीयूष जैन मुद्दा है, पीयूष जैन को लेकर सवाल है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पीयूष जैन को लेकर मुद्दा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? पूरा स्पष्ट किया दे रहा हूँ, सुन लो, जो अमित शाह है उनकी जाति है जैन की, वो उनका साला होगा। आप समझ गए मेरी बात? पम्मी जैन अमित शाह का साला होगा। अश्वनी साहिब को परेशान होना चाहिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मनोज यादव, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। हमें काहे की खुशी? हमें दुख इस बात का है कि साला फिर से काला धन निकला है इस देश में। 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई लाइन में लग के, और फिर भी काला धन, उनकी मौत, उनकी आत्माएं भी श्राप दे रही होंगी उस व्यक्ति को जिसने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, और फिर भी काला धन, जिस काला धन के लिए इस तरह की बातें हुई थी, वही काला धन फिर निकल रहा है। चलिए ठीक, तो ये बात, वो लोग उनकी आत्माएं माफ नहीं करेंगे। बड़े वाले कीड़े पड़ने वाले हैं उन लोगों पे, ठीक है, जिन लोगों ने लोगों को मौत, आप भी श्राप देंगे? आजकल समाजवादी पार्टी श्राप बहुत दे रही है, श्राप मत दीजिए। राजनीति में श्राप कब से चलने लगा? सदन और सदन से बाहर। ठीक है, राहुल लाल जी भी है, ठीक है, राहुल लाल जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी, जैसा कि अश्विनी शाही जी ने कहा कि ये इत्र दरअसल 2016 से इसी तरीके की सुगंध फैला रहा है, हालांकि इस सुगंध पर जो लगाम है वो अब जाकर लगी है, ठीक है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। ऐसे में मनोज यादव जी ने कहा कि इस पर हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये इनका कनेक्शन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसका हम जवाब देंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। राहुल लाल जी, सबके अपने अपने आरोप हैं,
अखिलेश यादव जी ने भी तुरंत टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि ये हमारे वाले नहीं है, ये तो आपके वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि ये सपा के हैं। ऐसे में ठीक है, आरोप प्रत्यारोप है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन जब जनता इसको देख रही है, जनता इन तस्वीरों को देख रही है, तो भौचक्की रह जा रही है कि ये इतना सारा पैसा, इतना सारा धन कुबेर जितना पैसा एक घर में बरामद होता है, जहां पर नोटबंदी की गई कि काले धन पर लगाम लगाई जाएगी, वहां पर इतना ज्यादा पैसा कैसे? देखिए, जो ये काला धन का जो अभूतपूर्व राशि हम लोग देख रहे हैं, इस पर प्रथम तो हम लोग ये सोचता कि काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? काला धन को समाप्त करना था। बिल्कुल, कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना था, कि वहां पर पत्थरबाज नहीं रहेंगे, वहां पर आतंकवादी नहीं रहेंगे। कई तरह के उद्देश्य उसमें गिनाए गए थे कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो है कि एक तरह से कैश मनी का फ्लो कम होगा, लेकिन एक तरह से सारे उद्देश्य तो विफल दिख रहे हैं। अगर 2016 में नोटबंदी के बाद अगर दीवारों से इतने पैसे निकले कि सोचिए कि कितने दिन लगे हैं उसमें, उसके पूरे गिनती और गणना करने में समय लगा है, कोई पलक झपकते उसकी गिनती भी संपन्न नहीं हुई है, कल दोपहर जाके सारी की सारी गिनती समाप्त हुई है। तो इसका मतलब है कि इस देश में काला धन अभी भी है। पीयूष जैन तो कोई केवल एक है, उस तरह के कितने ही पीयूष जैन अभी उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में होंगे। सवाल अब यह महत्वपूर्ण उठता है कि आखिर नोटबंदी का उद्देश्य क्या था, और आखिर जो लोग इतना ज्यादा काला धन जमा कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कैसे नहीं हो रही है? डबल इंजन की सरकार है, सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे कि आखिर 2017 में जब वहां पर सत्ता में आ गए, 2014 से केंद्र में मोदी जी हैं, तो फिर इतना कोई एक दिन में कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता, तो आखिर कैसे जमा हो गए? कहां थी खुफिया एजेंसियां, तमाम दूसरी जांच एजेंसियां कहां थी? जब वो गाड़ियों से लाया जा रहा था तो उसके बाद वहां पर लोकल पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो ये सवाल, हमारे आर्थिक दूसरी एजेंसियां क्या कर रही थी? तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशंस केवल छोटे लोगों के लिए है? हमें अभी भी याद है जब नोटबंदी लागू हुआ था तो गृहिणियां जिन्होंने अपने बचत जो उनके थे वो सबके सब समाप्त हो गए थे। लोग आपने अपने भूमिका में बताया कि कितना दुखद और कष्टप्रद रहा था वो नोटबंदी, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार किया था, और जनता ने उसको इसलिए स्वीकार किया था कि देश ब्लैक मनी से मुक्त होगा। तो एक बड़ा महान उद्देश्य दिखाया गया था, उस उद्देश्य के कारण पूरे देश की जनता भले ही लाइनों में खड़े रहे, 100 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन किसी ने उर्फ नहीं किया कि नहीं, चलो बहुत बड़ा पवित्र उद्देश्य है, वो पवित्र उद्देश्य नोटबंदी पूरा नहीं कर पाई, और सरकारों से सवाल बड़े गंभीर पूछे जाएंगे। आज जब पीयूष जैन के पास तो पैसे निकल रहे हैं, हर पार्टी उनसे दूरी बना रही है, क्या यह संभव है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के पीयूष जैन इतना पैसा जमा कर लेते? जो भी भारतीय राजनीति का कोखो गोखो समझता है वो असंभव है। पॉलिटिकल कनेक्शन उसके होंगे ही होंगे। अब ये होना चाहिए कि जांच एजेंसियां खुलकर बताएं कि पीयूष जैन किसका आदमी है। ठीक, अब एक छोटी सी चीज समझना चाहूंगा मैं। राहुल लाल जी, आपने एक बड़ी सीधी बात की, आपने कहा कि राजनीतिक कनेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली, लेकिन चुनाव नजदीक है और चुनाव में फंडिंग बहुत तगड़ी होती है, पैसा चाहिए होता है, तो ऐसे में ये किनको फंडिंग करने जा रहे थे, कहां पर इसका इस्तेमाल होने जा रहा था, इसको लेकर कुछ अगर आप समझा सके तो। देखिए, वो आखिर किसका पैसा आ रहा है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, और मैंने एक तरह से जीएसटी जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर या जो भी उनके पेपर से या जो भी उनके तरफ से बयान आए हैं, उस बयान में उन्होंने एक खुलासा अभी तक नहीं किया है। बीजेपी जरूर पॉलिटिकल आरोप लगा रही है कि वो समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो आखिर वो है किसके? ये चीज तो फिर जनता के सामने आना चाहिए, और ये एक तरह से इस समय जो सरकार में शामिल लोग हैं और उनको प्रमाण के साथ लाना चाहिए, पॉलिटिकल आरोप के रूप में नहीं लाना चाहिए। ठीक है राहुल लाल जी, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था कि काफी लोग इस चीज को लेकर एक डिलेमा में है, काफी लोग सोच रहे हैं कि अगर ये बीजेपी को फंडिंग करते थे तो बीजेपी की मतलब केंद्रीय जो एजेंसियां हैं इनको नहीं पकड़ेंगी, और अगर ये समाजवादी पार्टी को फंडिंग कर रहे थे तो बीजेपी के लोग या बीजेपी की केंद्रीय एजेंसियां जो हैं इनको जरूर पकड़ सकती हैं। लोग इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से सोच रहे हैं कि शायद समाजवादी पार्टी को फंडिंग हो सकती थी। देखिए, फंडिंग तो किसी को भी हो सकता था, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जब अभी इलेक्शन का समय है, अगर बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक तमाम लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन उन बयान जब आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पूरा एकदम बिल्कुल प्रमाण के साथ आरोप लगाइए जिसमें कि जनता स्वीकार कर ले। इसमें कई तरह के मामले उठ रहे हैं कि भाई गुजरात के गुटखा व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के थ्योरीज हैं,
जब आप स्पष्ट वरीयता नहीं देंगे फिर दूसरा चोरी चल रहा है, नाम के सिमिलर होने के कारण ऐसा हुआ है। क्या तीसरा चीज हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चौथा चीज हो सकता है जो समाजवादी पार्टी कर रही है, तो तमाम विकल्प खुले हुए हैं। इसको जो हमारी आर्थिक जांच एजेंसियां हैं वही इसको तथ्यात्मक तौर पर इसको सामने में रख सकती है और उन्हें रखना चाहिए क्योंकि पूरा प्रदेश अभी ये चीज जानना चाह रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अश्विनी शाही जी के पास वापस आते हैं, दूसरे राउंड की चर्चा करते हैं। अश्विनी शाही जी, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो किसके आदमी हैं और ये पैसा एकत्र कहां से हुआ, पूरी ABCD सब सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले इस पर सियासत की क्या जरूरत है, इस पर लगातार सियासत क्यों की जा रही है, जनता को इस पर क्यों एक तरीके से एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है? आप सपा पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन जांच जो होनी है उसका इंतजार कोई नहीं करना चाहता। देखिए, कष्ट किसको होता है, जिसकी नस दबी होती है। और जैसे ही छापे पड़े तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के प्रकट होते हैं और उनके बयान आने शुरू हो जाते हैं। चाहे पिछले 3 छापों की बात देख लीजिए, अभी तक उन्हीं के बयान आए हैं। तो कहीं ना कहीं बिलबिलाहट, और खास करके चुनाव का समय है, एजेंसियों ने, मैं राहुल लाल जी को बताना चाहता हूं कि एजेंसियां अपना काम करती रहती हैं। जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये है फेल्योर है, अगर फेल्योर होता तो ये बरामदगी नहीं होती। इतनी बड़ी बरामदगी उनके इतिहास में, GST के इतिहास में पहली बार हुई है, ये बरामदगी नहीं हुई होती। ये संस्थाओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अपना काम बहुत ही उन्मुक्त तरीके से और स्वच्छंद तरीके से कर रही हैं। और उसके बाद अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, कहते हैं ED CBI सबका नाम लेते हैं और चुनाव के टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूं हर साल चुनाव होते रहते हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश में सत्ता है, लगभग जो है हम सबसे ज्यादा इस समय प्रदेशों में हमारी सत्ता है। तो टाइमिंग तो चुनाव का, कभी ग्राम प्रधान का चुनाव होगा तो कभी लोकसभा का चुनाव होगा, तो टाइमिंग का सवाल हरदम उठेगा। लेकिन कई चीजें आती हैं, दीवालों से पैसा यहां निकला और एक जगह दीवालें और टूटी पाई गई थी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना घर छोड़कर गए तो दीवालें टूटी थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं दीवालों का कहीं मामला है। तो अब एजेंसियों को काम करने दीजिए कि कब कैसे उसका रिजल्ट वो निकाल कर देती है, उसके बाद किसका नाम आता है वो तो सबके सामने, आप लोग मीडिया में 2 मिनट नहीं लगेगा चलाने में, अखबारों में निकलने में नहीं लगेगा, पूरा देश जान जाएगा किसका था। लेकिन एक जो कहावत कही जाती है कि जब कहीं किसी की नस दबती है बिलबिलाता वही है, और अभी हमारे मनोज भाई बड़े प्यार से हमको सलाह के उसमें धमकी दे रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी धमकी दिया था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बहुत लोगों को तो ये बदले की राजनीति करते हैं, बदले की, जो आज अभी इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और शाही तुम यहां बैठे हो और एक मठ में शाही बैठे हैं, दोनों लोग बराबर कर दिए जाओगे। अरे भाई, यही तो गुंडागर्दी देखती है समाजवादी पार्टी की, पूरा प्रदेश इसीलिए भगाया है। और कानपुर में कल सबने दिखा दिया, अपनी ही गाड़ी अपने ही तोड़ा और नाम दूसरे का, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर एक मंच टूट, जिस दिन शपथ लिया था 2012 की बात बता रहा हूं, शपथ लेने के साथ किस तरीके से मंच पर गुंडागर्दी हुई थी, मंच तोड़ दिया गया था अखिलेश जी के हटने के बाद। ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये वही समाजवादी लोग हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए और नाम नहीं लूंगा मैं। एक बड़ी इनकी नेत्री है प्रयागराज में, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उनको छेड़ दिया था। चलिए ठीक है, वहां नहीं जाइए, नहीं कहना चाहिए, मुझे नाम नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम ये चीजें मनोज भाई हमसे नहीं होती है, ये राजनीति है, राजनीति की तरीके से करिए, प्रदेश की जनता देख रही है इस महत्वपूर्ण चैनल। चलिए ठीक है, मनोज यादव जी आप जवाब जरूर दीजिएगा अश्विनी शाही जी का, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लीजिए। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब ED भी आएगी, CBI भी आएगी, तमाम एजेंसियां जो केंद्रीय एजेंसियां सब आएंगी,
उनका कहने का जो मतलब था वो ये था कि सारी एजेंसियां बीजेपी सरकार के कहने पर चलती हैं। ठीक है, ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में अब पीयूष जैन के यहां जो छापेमारी हुई, इतना सारा पैसा रिकवर किया गया, जो अभी तक सूचना मिल रही है 194 करोड़ पैसा रिकवर किया गया है, और उसके साथ ही साथ सोना चांदी सब कुछ रिकवर किया गया है, तो ये सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही काम किया गया है। तो आप इसको लेकर गवर्नमेंट को थैंकफुल हैं? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में कहते हैं, कल ही बोल के गए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 2-3 दिन से, सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की। सेंट्रल में 7 साल से किसकी सरकार है? बीजेपी की। सवाल समाजवादी पार्टी से, ये नाकामी किसकी है? मैं इस बात को छोड़ो, पीयूष जैन किस राजनीतिक दल से टच नहीं, आज थोड़ा सा सकारात्मक रखते हैं, थोड़ा सा सकारात्मक रखते हैं, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, छोड़ते हैं हम, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की अगर एजेंसियों ने आज कुछ अच्छा काम किया है तो इनके लिए भी आप, अरे मेरे भाई पहले जो आप, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर अपना अगला सवाल, अब तारीफ कर देंगे, अभी रुक जाइए, जिस तारीफ के लिए सब भूखे हैं उसकी तारीफ के हम 4-6 कसीदे और गुड़ खिला के पानी भी पिलाएंगे। ठीक, जब बीजेपी की सरकार है, नाकामी बीजेपी की, जिस मुख्यमंत्री के स्टेट में एक व्यापारी के यहाँ 200 करोड़ रुपया सोना चांदी बरामद होता है, केमिकल्स बरामद होते हैं, चंदन का तेल 6 करोड़ का बरामद होता है, तो ये सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आपका प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, और नोटबंदी के तुरंत बाद आपको सत्ता मिल गई, कैसे पैसा हस्तांतरण किस तरीके से बदला गया होगा, पैसा किस तरह बदल के और कहां रख दिया गया, ये सारे सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री पूछ किस तरह है, विपक्ष आरोप किस पे लगा रहे हैं, विपक्ष पे, यानी कि आप अपने मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के प्रशासनिक अमले को मतलब धता बता रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं, यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव है, सत्ता उनकी और सारा काम हम कर रहे हैं, तो ये जो एक नरेशन बनाया जा रहा है और चुनाव के सारा काम, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, गलत काम उन्होंने कहा, नहीं मैं कह रहा हूं गलत सही बीजेपी और सरकार और एजेंसियां तय करेगी, अब मैं कौन होता हूं कहने वाला, नहीं वो कह रहा है कि पैसा इतना ज्यादा सकता है वो तय कर दे, काला धन रखना, काला धन रखना गलत काम। एक सेकंड, ये व्यापारी लोग हैं, सुनिए तो, ये व्यापारी लोग हमें सब मालूम है, ये सब कल दिखा देंगे, हमने इनसे 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 इतना उधारी लिया और ये पैसा हमने रख रखा था। आपको इतना सब कुछ कैसे पता इनके बारे में, आपको इतना सब कुछ कैसे पता इनके बारे में, आपको पहले आगे की रणनीति के बारे में भी मालूम है, आपको आगे की रणनीति के भी मालूम है, ये बीजेपी के लोग हैं, आपको इनकी रणनीति भी पता है कि पीयूष जैन साहब आने वाले समय में ये बताने वाले हैं, आपको कैसे पता ये बात, इससे कई गुना आगे की रणनीति हम आपको बता सकते हैं, हम लिस्ट दे रहे हैं, ये एक जैनी है, बहुत छोटा जैनी है, अच्छा लखनऊ का चौक एरिया है, हाँ वहां पे एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, हाँ पैसा ब्याज पे देते हैं किनको, हाँ इन जैसे व्यापारियों को, हाँ कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा की सरकार में, हाँ नाम बता दूं, हाँ बताइए, उनके घर पे छापा मार के देखो, हाँ लालजी टंडन के सुपुत्र हैं, हाँ वहां कमरे और दीवाले नहीं है, वहां तहखाने हैं, एक नहीं है, पूरे घर के घर में, आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है, अरे हमें मालूम है, आप आयकर विभाग में थे क्या, छापा मरवाओ ना, पूरा चौक जो सर्राफा बाजार है उसी टंडन से पैसा लेता है ब्याज पे, कोई है हैसियत, नरेंद्र मोदी की हैसियत है, मारेंगे छापा उनके घर पे, मैं दावे से कह रहा हूं, और इस तरह के एक जैनी नहीं, अगर चौक में छापा मार दोगे 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए के घर में मिलने वाला, अच्छा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब आप छापे मारेंगे, तो 5 करोड़ का भी नहीं है, अरे सुनिए, अभी 5 साल पहले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था किसी का धन काला धन नहीं होता है, उसका लेन देन काला होता है, अच्छा पैसा तो RBI छापता है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा पैसा होता है, किसी ने टैक्स भरा, आप सॉफ्ट डिफेंड कर रहे हैं, सॉफ्ट डिफेंड कर रहे हैं, मैं सॉफ्ट डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के नाकारेपन का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एजेंसियों के नाकारेपन का आपको एक बेहतरीन चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूँ, कम से कम पूछो सरकार से आप सवाल चौहान साहब कि कब छापे मारोगे उनपे, ठीक है मनोज यादव साहब, थोड़ा सा छोटा सा सवाल आपसे मारोगे, अमीनाबाद में छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आगरा में छापे कब मारोगे, वो मैं पूछता हूँ, अभी
पूछता हूं, आपने कहा, अश्विनी जी ने सुन भी लिया, अश्विनी जी इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। मनोज जी, आपने कहा कि लालजी टंडन के जो सुपुत्र हैं उनके अगर छापा पड़ता तो इतना इतना पैसा मिलेगा, इतनी इतनी दीवारों में पैसा मिलेगा। तो आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये 2017 के बाद शुरू किया आपने? नहीं, 17 के बाद नहीं शुरू की। हाँ। वो तो जब काला धन आया, काला से सफेद हो गया, फेयर एंड लवली वाली स्कीम आई, मतलब आप, आपकी जब सरकार थी तब सफेद हो जाता था काले से? नहीं नहीं, देखिए एक बार बताएं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में व्यापार चलता है और व्यापार को जिस तरीके से व्यापारी प्रस्तुत करता है वो जग जाहिर है। ये कोई सरकारी नौकर नहीं जिसका चवन्नी चवन्नी का हिसाब है। हाँ, नहीं, ये व्यापारी है। हाँ, सब मालूम है, ठीक है। और सुनो, हाँ, हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा जखीरा आपको पकड़ना हो, हाँ, तो उसका भी नाम बता दे रहा हूँ। हाँ, एक अडानी, नए 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 हवा में बातें नहीं, हवा में बातें नहीं, हवा में बातें, अभी उत्तर प्रदेश स्तर की बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश स्तर की बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश स्तर। यूनो अडानी कौन था? यहाँ पर जी बताइए ना, यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा पहले आप जानते थे अडानी कौन था? थोड़ा सा, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। अरे बच्चे बच्चे बचपन से टाटा अंबानी अडानी, आप जानते थे कि अडानी कौन था? जब मुझे जब नहीं मालूम था, जब जब आपको नहीं मालूम था, धन्ना सेठों की जब जब बात होती है तो टाटा अंबानी बिरला अडानी इन्हीं का जिक्र होता है। अब थोड़ा सा एक सही में अडानी जो है केला मूंगफली का ठेला लगाते थे। बता देंगे राहुल लाल जी, 14 से पहले मैं नहीं जानता था, मैं टाटा को जानता था, बिरला को, गोदरेज को, अंबानी को, सबको जानता था, लेकिन मैं अडानी को नहीं जानता था। अश्विनी जी आप पर ही आ रहा हूँ, अश्विनी जी आप पर ही आ रहा हूँ, लेकिन छोटा सा मनोज जी, एक छोटा सवाल दे दीजिए, एक छोटा सवाल। आपने ये नहीं बताया, आपने 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 एक मिनट रुके, आपने लालजी टंडन पर, उनके सुपुत्र पर एक गंभीर आरोप लगाया, तो मैंने आपसे एक चीज पूछी कि 2017 के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, या 2017 से पहले नहीं, आप हमें बहुत दिन से मालूम है। तो अरे आपकी सरकार थी, आपको मालूम था, आप क्यों चुप थे? इसीलिए तो हम विपक्ष में आ गए जो चुप हैं। अच्छा आपने, अच्छा आप चुप थे, आपकी सरकार में चुप थे, पता सब था पैसा कहाँ है, पता सब था पैसा कहाँ है, यार यारी थी, यारी थी आपकी, नहीं पता था ना कि व्यापारियों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा वाह, परेशान मत होइए, आपकी ईमानदारी पर दिल आ गया, आपकी ईमानदारी पर दिल आ गया। आपने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि व्यापारियों को छोड़ देना चाहिए, मतलब काला धन रखने वाले जो लोग थे जब सपा की सरकार थी तब आपको पता था कि इनके पास काला धन है, लेकिन आपने छोड़ दिया। सुन लो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी पकड़ लेना, अगर बहुत ईमानदार है तो पकड़ ले। आप अपनी सरकार में नहीं पकड़ पाए, आप छोड़ते रहे, आप मुंह से बोल रहे हैं कि हमने अपनी सरकार में छोड़ दिया। देखेंगे चीजें, आपने अपनी सरकार में छोड़ दिया, रखिए 2 महीने की और बात है। अच्छा 2 महीने बाद फिर व्यापारी खुलकर, मतलब जो काले धन की चीज है वो कर सकते हैं, आप फिर उनको छोड़ दें। आएगा सामने, बड़ा इशारों में आपने बताया है, बड़ा इशारों में आपने समझाया है कि काले धन वाले लोग, हमारी सरकार आएगी हम छोड़ते हैं। जैन को काला धन अपने एक बीजेपी ने अपने एक व्यापारी का काला धन पकड़ा, शिखर पान मसाले वाले को छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी ने की फोटो वोटो लगा रखी थी उसके अपने ट्विटर हैंडल से लेकर फेसबुक तक, उसको छोड़ दिया, कहा उसको नहीं पकड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने ही आदमी को पकड़ लिया जो काला धन रख रहे थे, बीजेपी ने उन्हीं को पकड़ लिया, और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम तो छोड़ देते थे, तो क्या है ये इशारों में आप क्या समझाना चाह रहे हैं? अगर आप, मैं बता रहा हूँ ना क्या, मैं बता रहा हूँ क्या समझाना चाह रहे हैं भैया, जो मैंने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होगी क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ कानपुर में मेट्रो को, मेट्रो में बैठते हैं, तस्वीर आती है, टिकट लेते हैं। अभी शाम की तस्वीर है, ब्रेकिंग है कि वहां पर सपा के लोग घुस गए अंदर, वहां बवाल काट रहे हैं, ये प्रतिक्रिया है आपकी? कहां पे बवाल काट रहे हैं? कानपुर मेट्रो के अंदर घुस गए हैं आपके लोग, वहां बवाल काट रहे हैं। अरे तो समाजवादी पार्टी की समय में उसका लाल टोपी लगी, लाल टोपी हमने शुरू किया था, तो हम उसमें जा भी नहीं सकते क्या? अच्छा गजब बात है भाई, मतलब वो बीजेपी के लिए मेट्रो बनी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारी कौन सी बातें? मतलब मतलब मेट्रो जो है वो आम जनता को दी गई है, मेट्रो जो है वो आम जनता के लिए दी गई है। 150 समाजवादी टोपी लगाकर लोग अंदर घुस गए और हंगामा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने दी है, क्यों ना जाए? इस पर पहला अधिकार हमारा है, पूरी टोपी वाले लोग इसके अंदर घुसेंगे, हंगामा काटेंगे, बवाल करेंगे। लोकतंत्र में नहीं चलता है, लोकतंत्र में पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं चलता है, लोकतंत्र में हंगामा नहीं चलता है, बवाल काटना नहीं चलता है। विजन था कि कानपुर में मेट्रो बने तो हमारे
हमारे कार्यकर्ता गए, इसमें हंगामा काटने वाली कौन सी बात? बड़ी ईमानदार नेता है, किसी को लिंच तो बड़ा ईमानदार नेता है, आप बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा बोल के लिंच कर रहे हैं, आप बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं, आप बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। हम जय श्री राम का नारा बोल के किसी को लिंच नहीं करते। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। राठौर को बुलंदशहर में उसका कत्ल नहीं करते। आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। कर देती है बीजेपी। मनोज यादव जी आप बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। आप इशारों में जिस तरीके से जनता के सामने अपनी बात भी रख पा रहे हैं, पहली चीज आपने कहा कि बीजेपी अपने लोग जिनके यहाँ काला धन है उनके यहाँ छापे मरवा रही है, जब हमारी सरकार थी तब हम छोड़ देते थे। ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे जो लोग होंगे उनको हम छोड़ देंगे। काला धन तो 14 के बाद आया है, जब मोदी जी ने बताया है। ठीक है, दूसरी चीज विदेशों से इतना पैसा लेके आऊंगा कि सबको। मनोज यादव, दूसरी आपने एक और इंप्रेस किया, एक और चीज को लेकर मैंने आपको एक जानकारी दी कि कानपुर मेट्रो के अंदर सपा की टोपी लगाकर, लाल टोपी लगाकर 100-150 लोग घुस गए हैं अंदर, हंगामा काट रहे हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि वहां का सोच विचार शिलान्यास सब माननीय अखिलेश यादव जी का था, तो हमारा अधिकार है कि हम घुस सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, बवाल काट सकते हैं। बहुत खूबसूरत जवाब दिया, टिकट लिया था, बहुत खूबसूरत। मेट्रो में बैठने का टिकट लिया था ना समाजवादी, मतलब अखिलेश यादव अगर शिलान्यास करेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 100-150 की संख्या में अंदर जाएंगे, हंगामा काटेंगे, जय समाजवाद करेंगे। अरे सुनिए, बवाल काटने का क्या मतलब है? बवाल काटने का मतलब है कि अंदर जय समाजवाद, जय समाजवाद। ये मेट्रो में, मेट्रो में ये होगा, मेट्रो में ये होगा, संवैधानिक शब्द है। ठीक है, आपके घर के बाहर, ठीक है, आप अपने घर के बाहर 200 आदमी खड़ा करिए, उनसे कहिए पूरी रात जय समाजवाद के वो चलवाएंगे, बूफर चलवाएंगे। इसमें अच्छी बात वाली बात है, अच्छी बात है। अरे जय श्री राम बोलते हैं लोग, ठीक है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, मेट्रो के अंदर, मेट्रो के अंदर ये सब नहीं चलेगा। मेट्रो के अंदर हंगामा बवाल की जगह नहीं है। वो कहां पे, मैं मेट्रो में बैठ के क्या करे, रामकथा सुनाए क्या? ठीक है, नहीं तो आप एक काम करिए, ठीक है, आप एक काम करिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस तरह की जगह नहीं है। आप कहिए कि उनको अखिलेश यादव जी के घर के बाहर एक बालकनी बड़ी सी है, उसमें बैठे 100-500 लोग, 24 घंटे जय समाजवाद करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर इस तरीके का हंगामा, बवाल काटना, ये अपराध है। इसको बवाल काटना, इसको गुंडई कहा जाता है, इसको साफ हिंदी के, हिंदी के शब्दों में इसको गुंडई कहा जाता है, आप समझ रहे हैं? अरे गजब, ये गजब है, गजब है। मेट्रो के अंदर लिखा रहता है प्लीज मेंटेन साइलेंस, ठीक है, वहां पर 50 तरीके के लोग सफर कर रहे हैं, वहां पर एक बुजुर्ग, वहां पर बुजुर्ग भी सफर करता है, वहां पर एक बच्चा किताब लेकर कुछ पढ़ भी रहा है, वहां पर 100-150 लोग जय समाजवाद, जय अखिलेश भैया, जस्ट बिकॉज शिलान्यास अखिलेश भैया ने किया है तो ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे अभी आपने, मनोज भाई ने कहा पैसा दिया है उन्होंने, अच्छा आपने सुना ही नहीं, अभी अभी मनोज भाई ने कहा पैसा दिया है तो वो लोग हल्ला करेंगे ही करेंगे। क्या बात करते हैं आप जी, बड़ा एक्सपोज कर रहे हैं आप। फिर आप मतलब अभी आपने कुछ कहा है इसी टाइप से, बहुत झूठा पार्टी की तरह झूठ बोलने लगे क्या साहब? नहीं मनोज जी, चलिए अभी कुछ कहा है इसी टाइप से मनोज, चलिए ठीक है, मैंने सुना नहीं, लेकिन मनोज जी हाँ ठीक है, आपने कहा है, हल्का सा आपसे निकल गया होगा, कोई बात, भूल चूक माफी, भूल चूक माफी, बहुत बार हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। पूछोगे कुछ, पूछ लो, बिल्कुल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ। अगर उनको नौकरी दे देती होगी सरकार, वो अपनी नौकरी कर रहे होते, वाह, लेकिन मतलब बड़ा खूबसूरत, फिर बहुत खूबसूरत मास्टर स्ट्रोक, मतलब जितने बेरोजगार है उसको अपने आप की पार्टी में लिया है, युवाओं के भविष्य के साथ अब खेल रहे हैं, मतलब सारे बेरोजगारों को आपने अखिलेश यादव का झंडा पकड़ा दिया, सारे बेरोजगारों को आपने समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ा दिया है, सारे बेरोजगारों को आपने समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ा दिया है। अच्छा तो करेंगे, और उनसे बैनर लगवा रहे हैं आप, उनसे बैनर लगवा रहे हैं आप, उनको पैसे देकर उनसे हंगामा कटवा रहे हैं आप, उनसे बवाल करवा रहे हैं आप, अखिलेश यादव जी की रैली में सारे बेरोजगारों को पैसा देकर बुला रहे हैं आप, ये कहना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, आज अगर कानपुर की रैली का आपने वीडियोस कई यूट्यूबर के देखे होंगे, तो वहां 50-50 गज प्लाट देने के नाम पे वहां भीड़ इकट्ठा की जा रही है। ये तो जो लड़के, जो जिनके पे कोई नौकरी नहीं है, वो राजनीति में ही चले आते हैं, फिर आप, हमारे नेता भी कहते हैं, ठीक है, आप जो एक्सपोज कर रहे हैं, आप खुद को तो कर ही रहे हैं, बाकी सबको भी कर रहे हैं, बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं आप, मतलब सीधे बता रहे हैं कि 50-50 वो तो प्लॉट दे रहे हैं, हम तो फिर भी छोटे छोटे रुपए दे रहे हैं, कितने रुपए, मतलब कितने रुपए तक, मतलब थोड़ा अंदाजे में बताइएगा, कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं 50 आप कितने दे रहे हैं? वो बेरोजगारों की फौज है ना, तो आपके पास आइए तो आप रोजगार ही दे रहे ना उनको,
आप रोजगारी तो दे रहे हैं। विपक्ष वाले पैसे किसे दे देंगे आपको फिर नहीं मालूम है? हाँ, नहीं नहीं, अगर कोई बेरोजगार है, अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगार पूरे दिन आपके झंडे बैनर क्यों लगा रहा है? बेरोजगार है तो आपके लिए वो मेट्रो के अंदर क्यों घुस रहा है? वो तो बेरोजगार है ना, समाजवादी थोड़ी ना है, समाजवादी थोड़ी ना है, बेरोजगार है। किसने लूटा देश को 7 साल से, ये बताओ किसने लूटा? ठीक है, ये जो हंगामा काट रहे थे, ठीक है, एक शब्द, टैक्स से लूटा, ठीक है, एक सवाल, ये जो आज कानपुर मेट्रो के अंदर हंगामा काट रहे थे, आज जो कानपुर मेट्रो, एक सेकंड मनोज यादव जी, आज जो कानपुर मेट्रो के अंदर हंगामा काट रहे थे, ये बेरोजगार थे या फिर समाजवादी थे? भाई निश्चित तौर पर राजनीति में वही आता है जो बेरोजगार होता है। साई साहब पे कोई रोजगार नहीं, इसलिए राजनीति कर रहे। मनोज यादव पे कोई रोजगार नहीं, इसलिए राजनीति कर रहे। चले ठीक है, जितने समाजवादी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं, सब बेरोजगार हैं, ऐसा मनोज यादव जी का। अच्छा बताओ, अडानी इतना बड़ा व्यापारी, वो तो राजनीति, जितने समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो सब बेरोजगार हैं, झंडा बैनर लगाने के लिए है, फूल माला पहनाने के लिए है, और अखिलेश यादव जी आएंगे तो जय समाजवाद चिल्लाने के लिए है। मनोज यादव जी ने एक बड़ा आज बहुत एक खुलासा किया, एक सच्चाई दिखाई है, और बहुत इसके लिए बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप। आपने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया, आप प्रशंसा के पात्र, आप प्रशंसा के पात्र, आप डरते नहीं है, आप घबराते नहीं है, ये आपकी महान छवि है, आप डरते नहीं है, आप डरते नहीं। इंप्रेसिव लाइन, ठीक है, सबसे बड़ा इंप्रेसिव लाइन सुन लो, ठीक है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा इंप्रेसिव लाइन नहीं। देखो, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने आजादी की लड़ाई, हम उनको मानने वाले हैं जिन्होंने, अच्छा आजादी की लड़ाई में भी आप क्रेडिट है, सुन लो अरे अभी आपका ज्ञान छोटा है फिर। अच्छा नहीं, वो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी आप, हम उनके मानने वाले हैं, अच्छा, हम गोडसे के मानने वाले नहीं हैं, अच्छा अच्छा, हम उस माफीनामा वाले जो सावरकर है उसके मानने वाले लोग नहीं हैं। कहा जिन्ना सावरकर, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, देशभक्तों ने फांसी के पंदे को चूमा है। कहां डिबेट ले जा रहे हैं, डिबेट कहां ले जा रहे हैं, डिबेट फरखाबाद चल रही है, आप फिरोजाबाद क्यों ले जा रहे हैं? रुकिए, हम वीर सावरकर वाले नहीं है कि माफी लेते हो कुछ बोले बिना। कहीं ऊपर जितना टॉप बैंड चल रहा है, जितना ऊपर लिखा हुआ चल रहा है, या फोन करके असाइनमेंट ने जो आपको बताया होगा, कहीं भी जिक्र था कि सावरकर के ऊपर बहस है? नहीं तो आप ये कौन कैसे कहने वाले हो कि हम जिंदाबाद और समाजवाद का नारा नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? अरे लगाएंगे, आप लगाएंगे, ये आपका अधिकार है, मैंने नहीं बोला ये। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं, मेरे को अश्विनी जी के पास भी जाना है और राहुल जी के पास भी जाना है, राहुल जी के पास भी जाना है, ठीक है, उधम काटना, नहीं ठीक है ठीक है, मैंने उधम काटना नहीं बोला, मैंने बवाल कर रहे थे, तो आपने कहा कि बेरोजगार है, बवाल तो करेंगे, आपने कहा अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास किया है तो बवाल करने का अधिकार है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात, मैं तो बहुत इंप्रेस हूँ आपसे। आपने एक कड़वी सच्चाई को जो मनोज यादव जी सामने रखा है, उसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आपने बिना डर के, बिना हिचक के जो बात कही कि जितना समाजवादी कार्यकर्ता है सब बेरोजगार है, और ये झंडे बैनर इसलिए लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी आते हैं तो इसलिए पुष्प वर्षा करते हैं, क्योंकि सब बेरोजगार है, ये आपने सच्चाई रखी है और बहुत कड़वी सच्चाई है। तो ऐसे में राहुल लाल जी के पास आऊंगा, इसका तुरंत अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, हालांकि बहस है, लेकिन बहस से थोड़ा सा हटके, जो कि मनोज यादव जी ने क्योंकि इस पक्ष को जरा सा छेड़ दिया है, गिटार का एक तार छेड़ दिया, हल्की सी आवाज कर गया है, इन्होंने जो पक्ष रखा कि जितने कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो झंडा बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, जो घर घर जाकर इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सब बेरोजगार है। ये सच्चाई है एक हद तक, और इनका शोषण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे इस पूरे मामले पे मैं कहूंगा कि मनोज यादव जी ने जो कहा है कि जो बेरोजगार है अभी, इस तरह काफी ज्यादा एक तरह से वो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि कहीं कहीं युवाओं में जो निराशा है, वो एक तरह से परिवर्तन करना चाहता है, और एक वो चाहता है कि उनके रोजगार के मामले में कुछ निश्चितता हो। हम लोगों ने देखा कि 69,000 जो शिक्षक है उसके पूरे मामले क्या चल रहे थे, लगातार इस पूरे कार्यकाल में कितने बार क्वेश्चन पेपर आउट हुए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो उधर सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करता है, वहां पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर खुद क्वेश्चन आउट कर रहे थे। तो उन घटनाओं पे, वो घटना तो चलिए आज से कम यह कि जब सरकार आई थी उसके 2 साल बाद घटी थी, लेकिन उस प्रकार के घटनाओं का फिर से दोबारा जो की पुनरावृत्ति होते रह गई, तो एक तरह से कहीं कहीं युवाओं में काफी आक्रोश है। लेकिन हाँ, बेरोजगारों को लेकर एक सम्मानपूर्ण शब्दावली के साथ ही सब उनको रहना चाहिए, वो काफी असहाय महसूस कर रहे हैं, तो
तो वैसे स्थिति में वो एक तरह से बेरोजगारों के, एक सेकंड राहुल लाल जी आप जरा थोड़ा सा गलत ले गए, इन्होंने बेरोजगार जो युवा है वो समाजवादी पार्टी में आ रहा है इन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी जो आप कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि समाजवादी जो कार्यकर्ता है वो बेरोजगार है, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, ये सेंटेंस मैं तो उसको उन्होंने वो तो उनका विचार है ना, मैं अपना विचार दे रहा हूँ कि इस समय कहीं कहीं बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग और हिस्सा, आपको अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपको उसके बारे में बातचीत करता हुआ दिखेगा। ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे राहुल जी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो मैं रोजाना प्रोग्राम करता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती पर प्रोग्राम कर चुका हूँ, लोगों से मिलता हूँ, खुद जा जाकर मिल चुका हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ बैठे हैं, ये बताइए जो इन्होंने एक तार छेड़ा है कि समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं वो बेरोजगार हैं, और समाजवादी की बात नहीं है, बहुत सी पार्टियों में बेरोजगारों का इस तरीके से शोषण हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सके। देखिए अब इसमें अगर शोषण तो क्या ही कहा जाए, अगर जो कर रहे होंगे तो स्पेक्ट्रा से ही कर रहे होंगे, वो अपने कुछ पार्टी भविष्य को लेकर कर रहे होंगे, यहाँ पर तो ये चीज कर दिया गया कि ठीक है, मैं उस बयान से भी सहमत नहीं हूँ कि राजनीति में हर जगह बेरोजगारी आ रही है, इस पर भी मैं सहमत नहीं हूँ, कई तरह के टेक्नोक्रेट्स और कई तरह के उस तरह के लोग समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी ठीक है, स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं, अश्विनी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूँ आपको कि जिस व्यक्ति का पेट्रोल पंप चल रहा है, जिस व्यक्ति का आलू का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, फरखाबाद की बात करूं, इटावा एटा इधर की बात करूं, फरखाबाद का काम बढ़िया चल रहा है, कोल्ड स्टोरेज का काम बढ़िया चल रहा है, वो कभी झंडा बैनर नहीं लगाता, वो पांच अंगूठी इस हाथ पे पहनता है, एक फॉर्च्यूनर लेता है और सीधे लखनऊ में जो बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यालय है उसमें जाता है, बड़े नेताओं से मिलता है, चाय नाश्ता करता है और टिकट की दावेदारी करता है। जो युवा है जो अभी 12वीं पास है, जो अभी कॉलेज में छोटे छोटे जो कॉलेज हैं बिजनेस के रूप में जो खुले हुए उनमें पढ़ रहा है, वही युवा झंडा लगाता है, वही युवा बैनर लगाता है, और उसका भविष्य क्या होगा राम जाने। चलिए अश्विनी जी के पास आना चाहेंगे, अश्विनी जी राहुल जी को आपने पूरा सुना, पूरी बातचीत सुनी, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता तो होगी नहीं, आप काफी देर से सोचे बैठे होंगे कि इस पर क्या वार करना है, क्या पलटवार करना है, बताइए। हमें कुछ पलटवार नहीं करना है, हमें मनोज भाई की बातें मैंने सुनी, राहुल जी की भी बातें सुनी, मनोज भाई ने तीन चार ज्वलंत वो उठाए जिसमें मैं लालजी टंडन जी के सुपुत्र जो हमारे माननीय मंत्री आशुतोष टंडन जी हैं उनकी बात से शुरू करना चाहता हूं। तीन बातें इन्होंने कही, एक का आपने सवाल कर लिया कि 2016 के पहले 17 के पहले आपने क्यों छोड़ा, तो इन्होंने कहा हम छोड़ दे रहे हैं, अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं एक बताना चाहूंगा कि 14 के पहले भी ये सरकार में थे दिल्ली में, वो उस समय भी इन्होंने छोड़ दिया होगा, बहुत से जगह छापा इनका पड़ता रहा लेकिन उसके बाद भी छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन उसके 14 के पहले अडानी जो इस देश के एक बड़े व्यापारी हैं वो शायद मनोज भाई के उसमें रेहड़ी वगैरह कहीं पटरी पर लगाते थे, और एक इनके दल में एक नेता थे जो आजकल जेल में है, वो सिलाई कढ़ाई करके अमेठी में 10,000-15,000 कमाते थे, उनकी पत्नी का बंगला लोनावाला में बन जाता है, ईडी उनकी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति सीज करती है, ये खानदानी व्यापारी थे जिनको इन्होंने उनको भी छोड़ दिया था क्योंकि उस समय बदला नहीं लेना था, 16-17 के पहले इन्होंने उनको पूरा छूट छोड़ा था, गायत्री प्रजापति इन्होंने उनको बढ़ाया और जो सिलाई कढ़ाई करते थे उनको विधायक बनाया, उसके बाद उसके पीछे मैं चलना चाहता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, दो पीढ़ी की बात है, आ रहा हूं ऊपर। माननीय मुलायम सिंह जी एक शिक्षक थे और जितने दिन मुख्यमंत्री रहे क्या रहे, और आज उनके बेटे की उनकी संपत्ति कितनी है यह भी एक शोचनीय बात है, जवाब बहुत सी चीजें, आज कितने बड़े घर में अखिलेश यादव रहते हैं, सैफई में कितना बड़ा घर है, क्या है, एक मैं ऐसे ही अभी यूट्यूबर का नाम लिया मनोज भाई ने तो मैंने भी एक सुना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के तो साइकिल से चला करते थे उस समय, पहलवान थे, ससुराल इनके जब शादी हुई तो ससुराल के लोगों का इंटरव्यू ले रहा था वो यूट्यूबर, तो पूछा कैसे बारात आई थी, ये है ससुराल और बारात बैलगाड़ी से आई थी, तो ये स्थिति वो थी और आज भी माननीय मुलायम सिंह जी है और आज क्या स्थिति है क्या नहीं है उनके पास, कौन सा उद्योग चलाते हैं, और अभी उनके दूसरे बेटे के
संपत्ति पूरी 3 दिन पहले छपी थी अखबारों में, क्या क्या है उनके पास, कितनी कंपनियां हैं उनके साले के पास, उनके दूसरे लड़के के साले के पास जितनी कंपनियां हैं सब छपी थी, और कितने 100 करोड़ की संपत्ति है सब अखबारों में छपा था। ठीक है, तो ये लोग तो अभी अश्विनी जी थोड़ा सा 3 पीढ़ी से हैं। ठीक है अश्विनी जी, आपने कहा कि अखबारों में छपा था कि कितनी संपत्तियां हैं क्या कुछ है, तो अखबार छाप ही तो सकता है, क्या अखबार गिरफ्तार भी कर लेगा ये, या वो काम आपका है, या अखबार गिरफ्तार भी अखबार करेंगे? नहीं, गिरफ्तार, अखबार का काम है जागरूक करना। जागरूक करना है आपको? नहीं नहीं, हमको और जागरूक करने की जरूरत नहीं है, एजेंसियां काम कर रही है, उसका भी रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए मनोज यादव जी, गायत्री प्रजापति को लेकर इन्होंने जो बात कही उससे शुरुआत करिएगा। गायत्री प्रजापति जिस मामले में जेल में है वो मामला कौन सा है? झूठे रेप का, और जो सजा हुई है उनपे वो उस रेप वाले मामले पे हुई, जिसमें वो खुद जो पीड़िता है वो कह रही कि नहीं हमने तो किसी के दबाव में केस लिखवाया था। उसमें ईडी और इसमें नोटिस और छापा, लोनावाला, पूना वाला, ये सब तो अभी कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है। उसके केसेस अलग चलने चाहिए, इस सरकार ने अगर चलाए होंगे तो निश्चित तौर पर सामने होंगे। खैर, चल रहा, तो चल रहा। तो वो जवाब देंगे, अरे वो जवाब देंगे निश्चित तौर पर। जो व्यक्ति जेल में है उसने अच्छा किया बुरा किया खत्म हो गया, लेकिन क्या आपने किसी व्यापारी को बंद किया, किसी बड़े उद्योगपति को जेल भेजा कि आपने पैसा कहां से कमाया? तो हम अच्छे आप अच्छे, आपको भेजना चाहिए। आपने भेजा, अरे नहीं क्या मनोज भाई, थोड़ी सी शर्मिंदगी आंखों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुपने सुनो नहीं, हम सम्मान दे रहे हैं, सुनो का मतलब नहीं होता है, हम सम्मान दे रहे हैं आपको। आप केस कौन सा, उन पे फैसला किस पे आया? सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज पर कहा था, किस पे कहा है आप बताओ ना। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी अखिलेश जी लेकर घूमते रहे उनको, अखिलेश जी घूमते रहे लेकर अपने सभाओं में लेकर घूमते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तब जाकर उनको वो गिरफ्तार किए गए। आपकी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के डांट के बाद गिरफ्तार किया। सुन लो, अरे सुन लो क्या भाई, अरे थोड़ी सी तमीज सीखिए भाई, थोड़ा सा आपस में तालमेल बना के रखिए। अरे आप ये बात सुन लो, प्यार से सुन लो, और अगर और कुछ कहिए तो। अरे भाई आप तो धमकी दे रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, तो प्यार से क्या बात है भाई। अरे आपको भी पता है काहे मजाक करते हैं आप लोग, सब लोग साथ में बैठकर ही चाय नाश्ता गुड़चना खाते हैं, और यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब तो मैं वही भाषा कह रहा हूँ, राजनीति आप करते हैं तो राजनीति करनी हमें भी आती। मैं कहता हूँ गायत्री प्रजापति के मैटर पे जो उनपे केस हुआ, किसी महिला ने उनपे आरोप लगाया कि उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके उनकी बेटी के साथ। उस मैटर में गायत्री अंदर गए, उसी की बात को लेके कह रहे हो, उनपे उसपे फैसला भी आ गया, उनको सजा हो गई। और मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा गायत्री से शुरू करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम किसी दत्तक पुत्र में थोड़ी नहीं बात कर रहे हैं कि हम अडानी का नाम लेंगे तो बीजेपी वाले उसको जस्टिफाई करने किसी बात को। जो दोषी है समाजवादी पार्टी में, कार्यकर्ता हो नेता हो, पार्टी उनका प्रोटेक्शन नहीं करेगी। ठीक है, आज 5 कार्यकर्ता आपकी पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, कल तक कार तोड़ रहे थे। क्यों समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं रखा? हम इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल नहीं पसंद करते। अरे अभी तो आप पसंद कर रहे थे, आप कह रहे थे कि शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया इसलिए मेट्रो के अंदर जाकर जय समाजवाद कर सकते हैं। तो क्या ये अहिंसा हो गई क्या? हिंसा हो गई क्या? ठीक है। आप अगर अपने पूरे परिवार के साथ शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से नैनीताल जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए किसानों को आतंकवादी आप जा रहे हैं, और उसमें कम से कम 150 से 200 लोग आ जाएं शताब्दी एक्सप्रेस पे और कहें जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आपको कोई समस्या नहीं होगी ना? क्यों, जब पश्चिम बंगाल में समस्या नहीं होगी ना? अगर आप शताब्दी एक्सप्रेस में अपने परिवार के साथ जा रहे हैं
और मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 150 लोग आ जाएं तो आपको समस्या नहीं होगी ना? मेरी बात का, अब मेरी बात ही नहीं सुनोगे आप? हाँ। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में ठीक है, अगर बनर्जी जब भाषण बोलना शुरू करती है तो वहाँ पे आके जय श्री राम के नारे। ठीक है, चलिए इस कार्यक्रम को डिरेल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, समय की कमी के कारण मनोज यादव जी यही रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने जो बातचीत कही उसको लेकर आपसे एक पॉइंट कर देता हूँ। आपने जो बातें कही, दर्शक उसको सुन रहे थे, उसको लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब थोड़े थोड़े कदम पर बूफर्स लगा देने चाहिए, जहां पर जय समाजवाद आता रहे, कि उसकी उसका फीता तो आपने ही काटा था और वो आपका ही है निसंदेह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का कार्यक्रम मुद्दा आपका यहीं पर इसका अंत होगा, लेकिन जो पैसों का अनंत बंडल मिला है उसका क्या होगा, वो इसका या वो उसका, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन देश में जब तक ऐसे बंडल मिलते रहेंगे, जब तक ऐसे मंडल मिलते रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार का कमंडल यूं ही भरता रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।